सिट्टू के बैनर तले अखिल भारतीय मिड डे मील संघ की हमीरपुर इकाई ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। संघ द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में आज केंद्र सरकार व प्रदेश सरकारों द्वारा मिड डे मील कर्मियों की अनदेखी व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, वहीं महिला कर्मियों ने मांग न माने जाने पर वोट न देने की बात भी कही। अखिल भारतीय मिड डे मील संघ का आरोप है कि स्कूलों में पूरा दिन काम करने के बावजूद मिड डे मील वर्करों को बहुत कम मेहनताना दिया जा रहा है और न ही उन्हें किसी भी प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील कर्मचारी कई सालों से नियमित रूप से स्कूलों में भोजन बना रही हैं, लेकिन सरकार उनका शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो वोट नहीं डालेंगी। मिड डे मील में लगी हूँ तो हमारा मिड डे मील में बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। हमें 1800 रुपया मिल रहा है अभी, जिससे घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। पूरा दिन हम स्कूल में रहते हैं, हमसे स्कूल में और भी काम दिए जाते हैं। जैसे पीएन छुट्टी पर हो तो हमें पीएन का काम भी देखना पड़ता है और हमारी ड्यूटी 10 बजे से 2 बजे तक तो लग ही जाती है। हम 2 बजे तक स्कूल में होते हैं और हमें सरकार ने हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। हम बार बार धरने दे रहे हैं लेकिन सबके थोड़े बहुत पैसे बढ़ा रही है लेकिन हमारा कुछ नहीं किया है। और जैसे ही बच्चों की संख्या कम होती है हमें एक को घर भेज दिया जाता है। न हमारे लिए कोई इन्होंने रणनीति बनाई है, न कुछ पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं बना रही है सरकार। ये हमारा शोषण है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी जो पे है वो बढ़ा दी जाए और हमें सरकारी कर्मचारी किया जाए। हम 700 रुपये पे करते हैं सरकार से, कम से कम इतनी तो कर दे। और 12 महीने का वेतन और 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। छुट्टियां भी हमें जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि अगर हमें घर में कोई इमरजेंसी है तो हमें टीचर लोग छुट्टी नहीं देते हैं। हाँ जी, बोलते हैं कि स्कूल आओ। ऐसे अगर मैंने घर में किसी की डेथ हो गई है तो हम कैसे स्कूल आएंगे, हमें घर पर रुकना पड़ता है। तो हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। हम धरने पे बैठे नहीं, नहीं नहीं डालेंगे। जब तक हमारा वेतन नहीं बढ़ाएंगे हम किसी भी सरकार को वोट नहीं डालेंगे। हमारा 700 रुपये वेतन होना चाहिए और हमें सुबह 9:30 बजे स्कूल जाते हैं और 3 बजे हम वापस घर में आते हैं। हमें बहुत ज्यादा काम होता है, स्कूल की टंकियां साफ करनी पड़ती हैं, मिड डे मील में खाना बनाना पड़ता है, दुकान से सामान लाना पड़ता है, चावल लाने पड़ते हैं, गैस सिलेंडर हमें खुद लाना पड़ता है और हर एक काम हम स्कूल में करते हैं। सुबह 9:30 बजे स्कूल जाते हैं और 3 बजे घर वापस आते हैं। दिल्ली में भी गए थे हटा के लिए पर हमारी मांगे पूरी नहीं। दिल्ली में भी हमने आवाज उठाई थी कि हमारा वेतन 700 रुपये होना चाहिए पर हमारी मांगों पर कोई असर नहीं हुआ केंद्र सरकार को। सिट्टू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ने बताया कि संघ की प्रमुख मांग है कि मिड डे मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उन्हें न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। मिड डे मील वर्कर्स का पूरे देश में अपनी मांगों को लेकर धरना है क्योंकि 2013 में भारतीय श्रम सम्मेलन ने फैसला लिया था जिसमें भारत सरकार भी हिस्सेदार थी और ट्रेड यूनियन भी थी के आंगनवाड़ी वर्कर को, मिड डे मील वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा इनको। पिछली सरकार भी चलेगी कांग्रेस की, अब यह सरकार भी जाने वाली है, परंतु मिड डे मील वर्कर्स को न आंगनवाड़ी वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया। और मिड डे मील वर्कर्स का तो शोषण सबसे ज़्यादा है, इन्हें स्कूल खोलने से लेकर स्कूल बंद करने तक जो है पूरा समय काम करना पड़ता है, चाहे बच्चे कम हों चाहे ज़्यादा हों। और इनका वेतन जो है अभी कुल मिलाकर जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया थोड़ा थोड़ा करके 1800 रुपये महीने का है और 1800 रुपये महीने में कोई भी आदमी जो है वो मजबूरी में ही काम करता है। इसलिए मिड डे मील वर्कर्स की मांग ये है कि उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और छुट्टियां भी दी जाए। इनके साथ विडंबना यह है अगर घर में कोई समस्या हो जाए, किसी के घर में डेथ ही हो जाए या कोई और काम हो तो इनको एक भी दिन का छुट्टी जो है सरकार नहीं देती है। इसलिए हमारी मांग ये है कि इनको कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, अनलीव, ये सारी छुट्टियां इनको मिलनी चाहिए जो सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं।